नाजरीन, चौथे टेस्ट रोजे मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 157 रन से शिकस्त दे दी। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपको मैच की पूरी डिटेल बताते हैं। फर्स्ट इनिंग में भारतीय टीम काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई। भारतीय टीम की जानब से विराट कोहली ने 50 रन की पारी खेली और उनका साथ दिया शार्दुल ठाकुर ने 57 रन की पारी खेलकर इंडियन टीम को 191 रन बनाने में कामयाब किया। इंग्लैंड की जानब से सबसे ज़्यादा क्रिस वोक्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल की और ओए रॉबिन्सन ने 3 विकेट हासिल की। फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड के ओपनर भी खातर खार रन न बना सके। बाकी बाद में आने वाले बैट्समैन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। डेविन मिलान ने 31, जो रूट 21, पोप ने 81 रन खेलकर काफ़ी अच्छी पोजीशन इंग्लैंड की चौथे टेस्ट मैच में कर दी। ब्रिस्टो ने 37, मोइन अलीस ने 35 और क्रिस वोक्स ने 50 रन की कंट्रीब्यूशन करके टीम का मजमू 190 कर दिया और यह काफ़ी अच्छी इंग्लैंड की पोजीशन हो गई थी चौथे टेस्ट रोजा मैच में एज कम्पेयर टू इंडियन टीम। इंडियन टीम की तरफ से उमेश यादव ने 3 विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह, रविंदर जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। सेकेंड इनिंग्स में इंडियन टीम के ओपनर रोहित शर्मा छा गए। उन्होंने 127 रन की काबिल शिकस्त पारी खेल कर इंडियन टीम को दोबारा टेस्ट मैच में वापस ला दिया। केएल राहुल ने 46 रन बनाए, पुजारा ने 61, विराट कोहली 44, जडेजा ने 17, पैंट ने 50, शार्दुल ठाकुर ने 60, उमेश यादव 25 और जसप्रीत बुमराह 24। इस तरह सेकेंड इनिंग में इंडियन टीम ने काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और 466 रन का मजमू स्कोर बनाया। इंग्लैंड के बॉलिंग में से जेम्स एंडरसन ने 1, रॉबिन्सन ने 2, क्रिस वोक्स ने अगेन बॉलिंग अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3 विकेट हासिल की। मोइन अली ने 2 विकेट हासिल की। इन इनिंग में इंग्लैंड की जानब से ओपनर ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप का आगाज़ किया। रॉय बर्न्स ने 50 रन की पारी खेली, हसीब अहमद ने 63। उसके बाद आने वाले बैट्समैन काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा ना कर सके। जोए रूट 36 रन और उसके अलावा कोई भी प्लेयर खातर खा रन ना बना सका। इसी तरह इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 210 रन बनाकर ढेर हो गई। इसी तरह इंडियन टीम ने यह मैच में शिकस्त दे दी। इस दौरान अगेन उमेश यादव ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 3 विकेट हासिल की। जसप्रीत बुमराह, रविंदर जडेजा, शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट हासिल करके इंग्लैंड की टीम को पछाड़ दिया और इसी तरह चौथा टेस्ट मैच इंडियन टीम ने अपने नाम कर लिया। के लिए इतना ही। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।